गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता नारायण दत्त पाठक के नेतृत्व में छात्रों ने दो सूत्रीय मांगों को लेकर अपर आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में छात्र नेता नारायण दत्त पाठक ने बताया कि कोरोना महामारी में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा होने वाली है, जिसको देखते हुए परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को टीकाकरण कराने की व्यवस्था की जाए और विद्यार्थियों को टीकाकरण के बाद ही उनकी परीक्षा कराई जाए, जिससे छात्र कोरोना महामारी से बच सके। इस अवसर पर मनीष वर्मा, संकल्प, इंद्रकेश यादव सहित अन्य छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता नारायण दत्त पाठक ने कहा, नारायण दत्त पाठक, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। किस संदर्भ में अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा? ये माननीय राज्यपाल जी को संबोधित है। माननीय मंडलायुक्त जी के माध्यम से मैं राज्यपाल महोदय से ये देख मांग कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को वैक्सीन लगाया जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ते हैं सारे 18 प्लस होते हैं और 18 प्लस वालों को वैक्सीन लग रहा है और उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो अगर मान लीजिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय में परीक्षा होने वाली है और उनको वैक्सीन लग जाएगा तो इस कोरोना महामारी से वो बच सकेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो मेरी दो सूत्रीय मांग है कि पहली तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में वैक्सीन लगाई जाए, और दूसरी मांग मेरी यह है कि वैक्सीन लगाने के बाद ही उनकी विश्वविद्यालय की और महाविद्यालय के छात्रों की परीक्षा ली जाए।